कर रहे हैं आप? बोल तो मैं किस पकड़ लेता है। उसका भी थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया, उसका ईएमआई अब तक दे रहा हूँ मैं और ये परमानेंट स्क्रैच हो गया। मिडिल क्लास फैमिली से है हम लोग का, तो बहुत मुश्किल से हम लोग ये सब खरीदते हैं ना। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग घर में बहुत अच्छे होंगे। अभी जब फिलहाल टाइम चल रहा है, ये साइक्लोन टाइम चल रहा है, हर साल एक आता रहता है और इस साल भी हमारे यहाँ पे आया हुआ है। तो अभी फिलहाल मैं और मेरी मम्मी जो यहाँ पे है, तो बारिश का टाइम है, तूफान का टाइम है, मैं रेनकोट पहनने जा रहा हूँ। लेकिन आप लोग मेरी मम्मी को जानते हो, मम्मी पूरा सच ढच के देखो, वाह, पूरा सच ढच के जा रही है। मतलब बारिश में जाना है रेन कैप्चर करने के लिए, मतलब अपना 360 वगैरह तो रेडी रखा हूँ, लेके जाऊंगा बोल के। फर्स्ट टाइम बारिश में ये फर्स्ट टाइम निकल रहा है, मुझे पता नहीं कैसा आएगा, मैं लेंस के तरह पूछा भी नहीं था। उसको थोड़ा कवर कैसे करो, खराब हो जाएगा। क्या कर रहे हैं आप? मेरे पीछे पीछे आइएगा। हाँ। चलो लाइटन अप, टेक मी ऑन योर मैजिक रिवर, टेल मी ऑल योर ड्रीम्स अलाइव, sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry. तो गाइस फिलहाल भी हम लोग पहुंच गए अपना छत पे और यहाँ पे अभी फिलहाल हवा भी कम है और बारिश भी जरा सा कम है, इसलिए आप आए। अरे भाई मेरा कैमरा गिर ना जा भाई, इतना भी कम नहीं है यहाँ पे, जरा डंडा अच्छा है। मेरा पत्थर वत्थर रखो नहीं तो इसका बैक साइड ये खराब तो नहीं होगा रे? नहीं रे, वाटरप्रूफ है मम्मा, पर ये से मस्त आता है सब कुछ। मम्मी को इंस्टा 360 का कैमरा का फुटेज बहुत अच्छा लगता। चलो अभी कैमरा निकालो। तुम येलो पहनता ना पापा, तुम्हारा बढ़िया होता। येलो पहनता लाल दिख रहा है, इधर में कुछ नहीं दिख रहा है, फुल कैमरा निकाले कहाँ? लो आप तो चलो पकड़। अरे ही कर रहे हैं आप? बोल तो मैं किस पकड़ लेता, ही क्या होता है मम्मा? परमानेंट स्क्रैच हो गया। आए, मेरा ही गलती था। अरे यार, इसका ईएमआई अब तक दे रहा हूँ मैं और ये परमानेंट स्क्रैच हो गया। कौन सा नहीं है, लेंस। अरे वो एक तो लगाया नहीं, वो वाला तो देखिए जरा, इसको छोड़ना नहीं चाहिए था। कहाँ स्क्रीन में स्क्रैच हुआ? अरे लेंस में स्क्रैच हुआ मम्मी। तुमको वो प्रोटेक्टर, जो प्रोटेक्टर वो को नहीं लाए हो? अब पूछ क्या रहे हैं, नहीं लाया हूँ। क्यों नहीं लाया? मुझे क्या मालूम था ऐसे होगा, हालांकि मुझे लगा पकड़ लूंगा। नहीं छोड़ो छोड़ो, अरे जो पानी में तुम गाइस, अभी मेरा ये मुझे पता नहीं ये आया कि नहीं आया, पर मेरा ये बारिश और हवा के लिए गिर गया और यहाँ पे परमानेंटली डैमेज हो गया है मेरा लेंस। मतलब एक साइड पीछे वाला ठीक है, सामने वाला जो मेन है वही वाला ही, मतलब मेरा वो स्क्रैच दिख रहा है। अच्छा वो लेंस फटा नहीं, अब मम्मी भी ही कर रही है। अरे बोलिएगा, गिर रहा है, मैं तुरंत ऐसे पकड़ लेता। अरे फिर भी छोड़ कर तो बैठे। अरे पैर दिया मैं पकड़ के, पैर देने से क्या होगा? चलो हुआ हुआ, और क्या करेगा, तुम्हारा गलती था, उसका तुम्हारा है सब कुछ। अभी बारिश में तो उसको, अरे नहीं आया मम्मी दिमाग में, नहीं आया दिमाग में, मैं क्या करूँ अभी? ठीक है, चलो जो हुआ हुआ, आदमी लोग का ये तूफान में तो घर बाड़ी सब बर्बाद होता है, फ्लड में ये में, और हम लोग का तो
छोड़ो, कैमरा टूट गया मम्मा। टूटा नहीं, थोड़ा सा स्क्रैच हुआ उसमें, उतना भी आपको नहीं पता। ये 360 है ना, छोटा स्क्रैच बहुत बड़ा होके दिखता है, पर एक बार लग गया मतलब कुछ नहीं होता। नहीं तो पानी, अभी तो पानी हो रहा है बारिश में। मेरा भी गलती था, मेरे को छोड़ नहीं देना चाहिए था। मैं यहाँ पे लकड़ी भी लगाया था, लेकिन वो लकड़ी क्या लकड़ी लगाया था, और ये बहुत भारी भी है, पर पता नहीं क्यों ऐसा हवा चढ़ रहा है ना। देखता नहीं कितना हवा चढ़ रहा है, हवा चढ़ रहा है तो होगा ही, वो हल्का डंडा है तो गिरेगा ही। वो चल रहे है, चल रहा है मम्मा, चल रहा है, पर किस तरह का फूटेज आ रहा है मुझे नहीं पता। तो वो जो आएगा आएगा, ये छत जब आते है ना याद आता है, यही मतलब यहीं पर ही तुम पहले अपना स्टार्ट किया था YouTube। हाँ YouTube स्टार्ट किया था, ये छत आने से मेरा याद है। यहाँ पे मम्मी और मैं शुरू किए थे करीब करीब 2 साल पहले। कैमरा टूट गया रे बाबा। अरे के हम सोचे थे उसको लाए हो, इसे नहीं गया। छोड़ो, जो होने का था ना होना ही है, जो होने का होता है होगा ही होगा, होना ही है। थोड़ा स्क्रैच हुआ, छोड़ छोड़ देखी, स्क्रैच लेंस में हो गया ना मम्मा, जो मेन चीज है। हाँ ठीक है, रहने दो, करो अपना काम। गाइस मेरी मम्मी मेरे को एक चीज बोल के शांत कर रही है, ये जो तूफान हो रहा है अभी तो बारिश हल्का सा कम गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों का घर ही टूट जाता है। तुम्हारा तो बस कैमरा टूटा है, बहुत सारे लोगों का घर बार टूट जाता है, तो उन लोगों को कितना तकलीफ होता होगा। चलो यार चलते यार, और अच्छा नहीं लग रहा ऊपर। नहीं ऐसा नहीं होता, काम होता है। काम तो कर दिया, और क्या करूँ। हाँ, थोड़ा सा दिखा दो पूरा बाहर, ऊपर थोड़ा दिखा दो, क्या कर रहा है पता नहीं। सुन लिया मैं क्या बोले। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं। हमेशा ऐसा कुछ करता हूँ, पर फिर वो वीडियो बनने के बाद आपको समझ में आता है। मैं अभी देख रहा था कि मतलब कैमरा का क्या हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ कितना स्क्रैच हुआ है। आई होप मैं दिखा पाऊँ ठीक से। ये जो स्क्रैच दिख रहा है अगर आपको, यहाँ पे देखो कुछ स्क्रैच नहीं है, पर यहाँ पे देखो है, ये जो सामने जो स्क्रैच दिख रहा है, हाँ अब दिखा डार्क। हाँ ये देखो, अभी जो जितना भी दाना दाना दिख रहा है ना आगे, ये है, ये एक्चुअली स्क्रैच है। एक्चुअली मतलब देखा जाए ना तो आप अलग अलग यूट्यूबर्स लोगों को देखे होंगे, वो लोग बोलते हैं कि मेरा ये गिर गया, मेरा ये स्क्रैच हो गया, मेरा ड्रोन भी लेना है मेरे को, मेरा ड्रोन टूट गया। और कोई बात नहीं, और एक खरीद लेंगे, फिर जिंदगी तो बच गई, ये वो बार बहुत कुछ बोलते हैं। पर मतलब जब ना ये सब तब अच्छा लगता है ना जब आपके पास पैसा हो। और तो ये सब ना तब अच्छा लगता है ना जब आपके पास पैसा हो और आपको पता है कि अगर इसका कुछ हो जाए तो और एक खरीद सकते हैं। पर हम मिडिल क्लास फैमिली से है, हम लोग का तो बहुत मुश्किल से हम लोग ये सब खरीदते हैं ना, तो इसलिए मेरे को जरा सा खराब लग रहा है बहुत। और एक तो नया लेने का पैसा नहीं है फिलहाल अभी तो। और इतना भी रो मत, गॉड का ब्लेसिंग होगा तो बहुत कुछ कर पाएगा, समझा ना। गॉड को ऐसा बोल कर लिमिट मत करो, वो मतलब क्या बोलेंगे, समझ पा रहे हो ना मेरा बात क्या बोलना चाह रहे हैं। गॉड के ऊपर भरोसा रखो, वो तुमको सभी प्रोवाइड करेंगे। मेरा दिमाग से कैसे निकल गया, मैं आप लोग और एक चीज दिखाता हूँ। हाँ। मेरे पास, मैंने इसको खरीद कर रखा है मतलब। हाँ। अगर आप लोग मेरे चैनल में जाओगे, मेरे चैनल में इसी कैमरा को लेके 3 लाख व्यूज है, और शायद पता नहीं हजारों लोगों को मैं इसका लिंक दिया हूँ। ये लेंस प्रोटेक्टर, ये क्या कर रही है, ये मार खा जाएगी तू, अभी उतर जा, उतर। इसका ऐसे में चुपचाप रहती था, अभी जब लेंस कैमरा टूटे है तो बदमाशी शुरू कर रही है, खुश हो रही है तू। हाँ, अच्छा कैमरा टूट गया तेरा भाई का, क्योंकि वो नहीं उसका लेकर नहीं गए थे। कूद रही है कैसे। हाँ। ये लेंस को खरीद कर रखा हूँ ये सब चीजों के लिए, कुछ अगर हो तो इस पे इफेक्ट हो, इस पे कुछ ना हो। मेरे तुरंत दिमाग से निकल गया मुझे, और पता नहीं कितने हजारों लोग मेरे को इसका लिंक मांगेगा, प्लीज लिंक दो ये वो। मैं बहुत लोगों को लिंक देता, और मैं खुद जब मम्मी बोल ही रहे थे ना, जो होने का होता है वो होता जो होने का था वो। लेंस प्रोटेक्टर लगाने के बाद ये इस तरह दिखता है, इस तरह पूरा स्क्रैच हो गया था, और यहाँ पे लेंस टूट गया था, मतलब स्क्रैच हुआ था। ये अगर लगा रहता कुछ नहीं होता, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से निकल गया, समझ नहीं आ रहा। ठीक है तुम्हारा मुंह से पता चल रहा है कि तुम दुखी हो। ना दुखी मुखी कुछ नहीं है, पर जब कितना इम्पोर्टेंस रहता है मिलेगा और भी मिलेगा, तुम खुद ही खरीदेगा
कोई इशू नहीं है, पर ये चीज को ना हो जाता है तभी तभी मतलब लगता है कि मतलब क्या हो गया वो बात है जिसका। हालांकि मम्मी ऐसा कभी नहीं है कि मेरे पास है तो मैं इसको मतलब बहुत ही रफ यूज मिस यूज करता था, कभी नहीं। मैं इसको हमेशा बहुत केयर से रखता था। मेरा पूरा अलग केसिंग है, केस में वगैरह में लेंस प्रोटेक्टर को भी मैं ऐसा माइक्रोफाइबर कपड़े में लपेट कर रखता था। तुम्हारा हेयर बैंड और ये मैच कर रहा है ना, ये आप ही का ही है। हम लोग का कैमरा तो टूट गया था और दिल में गम ही गम, तो गम बुलाने के लिए आदमी कहाँ आएगा बताओ, जिम और कहाँ। जिम में आए गम बुलाने पर गम बुलाया नहीं जा रहा, मेरा कैमरा और अभी मम्मी फोन की थी मेरी। अभी घर जाएंगे, घर जाने के बाद मैं अपना ग्रेसी को लेकर पकड़ूंगा, उससे उसके साथ अपना गम का डिस्कशन करूंगा। कैमरा टूट गया यार, चल रहे अभी क्या करें, यहाँ पे जाएंगे थोड़ा वर्कआउट वर्कआउट खत्म करते हैं। भाई ने आज कुछ बहुत ही बड़ा कांड किया है, जैसे कि मुझे तो पता नहीं है। तुम्हारी हंसी तो सब बता रही है। देखो ये ऐसे बैठती है ऋषि, मम्मी को पैर में ऐसे यहाँ पे गद्दी करके बैठेगी। और 9 बजे किसे गए? मतलब मेरे ऐसे में ठीक रह रहा, नॉर्मल रह रहा, जब मेरे को याद आ रहा है। और अभी तक मेरे एडिटिंग अभी बाकी है, मैं वो फुटेज वगैरह देखने। और आपको एक बात बताऊं, मैं ये कैमरा को मतलब बहुत एक साल कितना महीना हो गया है, मेरे को तो कैमरे के बारे में कुछ पता नहीं है। पर गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बहुत दिनों से वीडियो वगैरह देखता हूँ कैमरा का क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करे, फ्रेम रेट कैसा होना चाहिए, फ्रेम रेट का डबल होना चाहिए, शटर स्पीड ISO कितना रहना चाहिए, क्लाइमेट को लेके वाइट बैलेंस कैसा रहना चाहिए। सीख रहा था सब, मैं बहुत दिनों से देखता था पर कभी ऐसा मतलब मेरे को समझ में आता नहीं था। और जब भी मैं कुछ वीडियो शूट करने जाऊँ, मैं तब पेपर लेके जब लिखा रहूंगा उसको भी सेटिंग करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा सेटिंग करूंगा ऐसा। आज ही मेरे को समझ में आया, पता नहीं क्या, एक वीडियो देख लिया और वो अटक गया मेरे दिमाग, मेरे को पूरा अंडरस्टैंडिंग आ गया कि कैसे क्या रहना चाहिए। साला आज ही टूट गया, मतलब कैसे मेरा वो है, ये भी मेरे पास था, मैं कहला था। कितने लोग मेरे को उसका लिंक मांगते हैं, मम्मा इसका लिंक क्या बोलते हैं उसको, तुमको और कितना हम बोलेंगे, कितना समझाएंगे, जो होने का था हो चुका है। इसमें ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। रामी मानस वीडियो ले लिया।